जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम एक कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें शनि देव योग कारक होने के बावजूद भी नीलम पहनने पर नुकसान देता है। उस कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर योग कारक है, शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि पंचमेश शनि होते हैं या तुला राशि में उच्च के होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, इनके रत्न पहनने चाहिए, लेकिन रत्न पहनने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, इसका कारण क्या है? चलिए पहले कुंडली देख लीजिए। ये कुंडली है कन्या लग्न की, विक्रांत जी की कुंडली है और ये कन्या लग्न की कुंडली है। जैसा कि आप देख सकते हैं पंचमेश इनकी कुंडली में शनि है और पंचम नवम और लगन के ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको रत्न पहनाते हैं और जो है शनि जो है तुला राशि के बैठे हुए हैं, तुला राशि के यानी कि उच्च के बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी पहले हम विक्रांत जी से बात कर लेते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे किया और फिर मैं बताता हूँ कि क्यों रत्न सूट नहीं किया। विक्रांत जी, जय माता दी। जय माता दी। तो मेरे को जब गुरु जी ने ये पहनाया था, नीली पहनाई थी और सफ़ेद मूंगा और पन्ना पहनाया था, तो उस साल मेरा प्रमोशन काफ़ी अच्छा हुआ था ऑफिस में भी और मेरा काम अच्छा चलता था। लेकिन जब मैंने नीलम पहना 2017 में तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था घर में ही, मतलब मैं गिर गया था तो ये उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, फिर मैंने उसको उतार दिया था। कारण क्या है मैं अब आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 2017 और 18 के अंदर नीलम पहना, मैंने इनको नीली पहनाया तो नीली इनको सूट किया, ठीक है जी, और इनको अच्छा रिजल्ट मिला भगवान की कृपा से। लेकिन क्या है कि उसके बाद इनका हमसे संपर्क हो नहीं पाया तो उन्होंने सोचा कि नीली पहना है तो नीलम पहन लेते हैं। तो नीलम पहनने के बाद इनके साथ में ऐसा क्या हुआ ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी हम नीलम पहनाते हैं तो नीलम में एक चीज़ का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि उस समय पर आप पर कोई ढैया कोई साढ़े साथी तो नहीं है। यदि ढैया या साढ़े साथी होगी, जैसे कि आप इनमें देख सकते हैं इनकी मकर राशि है और विगत ढाई साल में, अभी तो मकर राशि में शनि चल रहे हैं, विगत ढाई साल में जो शनि थे वो आपके चल रहे थे धनु राशि में, धनु राशि से भी इनके ऊपर साढ़े साथी चल रही थी, तो उस समय पे अगर आप नीलम पहनते हैं तो बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। अभी भी ये नीलम नहीं पहन सकते हैं, ये नीलम जब पहन सकते हैं जब इन पे पूर्णतया से साढ़े साथी निकल जाएगी, जो कि और नीलम इनको सूट भी करेगा विक्रांत जी को, क्योंकि इनको नीली सूट कर गई है। लेकिन कब करेगा? जब ये पूर्ण तरीके से साढ़े साथी निकल जाएगी, यानी कि कब? अभी अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में शनि आएंगे, जब कुंभ से निकल जाएंगे तब ये नीलम पहनेंगे और लाइफ टाइम इनको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कारण क्या है कि साढ़े साथी के अंदर अगर आप शनि का नीलम पहन लेते हैं और आपकी कुंडली में शनि कितना भी उचका हो आपको नुकसान देगा, आपको चोट दे देगा, आपको नुकसान दे देगा, तो इसके लिए थोड़ा सावधान हो जाए। ये बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये लगने इस वो लगने, देखिए मित्रों किताबी ज्ञान हमने भी बहुत लिया है, हमने बहुत पढ़ा है, पीएचडी की है, ठीक है, और मेडलिस्ट हैं वो आप जानते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान हमेशा बदल जाता है, लोगों से बात करने पे चीज़ें अलग सामने आती हैं। तो कृपया करके अच्छे सुझाव दें, किताबी सुझाव ना दें, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।